वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर वीडियो ऑफ ऑटोमोबाइल ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑल्टो 800 की माइलेज के बारे में। सभी तरह की कंडीशंस को मैं कंसीडर करूँगा, सिटी 50% सिटी, 50% हाईवे, 100% हाईवे। ये वीडियो एक लविंग सब्सक्राइबर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल इस वीडियो में जो मैंने पेट्रोल पंप का शॉट दिखाया है वो लॉकडाउन से पहले का है। अभी यहाँ पे लॉकडाउन है तो मैं शूट नहीं कर पाया। सेकेंडली, जो गाड़ी थी वो 481.5 किलोमीटर चली थी फ्यूल स्टेशन पहुँचने तक, और उसमें 250 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स हमारी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उस पर चली थी, जिसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मतलब इतने ज़्यादा पॉट होल्स वगैरह होते हैं कि गाड़ी चली थी ऑलमोस्ट 40-50 की स्पीड में, और बारी बारी ब्रेक लग रहे थे सिंगल लेन रोड पे। एंड बाद का पैच कवर किया था लगभग 90-100 की स्पीड में। तो फ्रेंड्स, इसको आप मान सकते हैं कि 50% सिटी यूज़ है इसके बाद और 50% हाईवे यूज़ है। इसके अंदर टोटल फ्यूल आफ्टर ऑटोकट पूरी ऊपर तक भरने में 31.62 लीटर्स आया, और इससे पहले भी जब मैंने टैंक रिफिल कराया था तो पूरी ऑटोकट से ऊपर तक रिफिल कराया था फुल तक। एंड जो अभी रीडिंग है वो 481.5 है। इसको जब हम 31.62 लीटर से डिवाइड करते हैं तो जो एवरेज निकल के आती है वो आती है 15.23 किलोमीटर पर लीटर। तो फ्रेंड्स, इसमें मिक्स्ड यूज था, 50% सिटी 50% हाईवे यूज। जैसे मेरी सिटी है जो श्रीगंगानगर राजस्थान, वो काफ़ी छोटा टाउन है, तो यहाँ पे मोस्टली छोटी छोटी सड़कें हैं, नैरो स्ट्रीट्स हैं, और फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलती है गाड़ी ऑलमोस्ट। तो उस सिनेरियो में अगर मैं 100% इसको सिटी में यूज़ करता हूँ एसी ऑन के साथ, पूरी गर्मियों के टाइम ये माइलेज निकाल के देती है 12-13 किलोमीटर पर लीटर। चाहे आप कितनी भी आराम से चला लो, बिल्कुल फैदरिंग करके एक्सेलेटर पैडल पे, तो भी माइलेज 12-13 ही देती है। अब लोग कहते हैं कि ऑल्टो की माइलेज सिटी में भी 16 आती है, पता नहीं कैसे निकालते हैं, हमारी सिटी में तो आती नहीं। वो उन सिटीज़ के लिए जिनमें लाइट रेड लाइट टू रेड लाइट ट्रैफिक चलता है, तो उसमें क्या है जो डिस्टेंस है वो कवर होता है। हमारी छोटी सी सिटी है, इसमें एक्चुअल में जो गाड़ी का फ्यूल है वो स्टार्ट रहने में ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मूव करने में। मतलब गाड़ी स्टार्ट ज़्यादा टाइम रहती है और मूव काफ़ी कम करती है उसके कंपैरिजन में, ड्यू टू ट्रैफिक कंडीशंस। और अगर मैं 100% हाईवे यूज़ की बात करूँ तो 4 लेन हाईवेज पे मैंने इसे फुल थ्रॉटल पे चलाया था, मतलब हर गियर में पूरा भगाया था एसी ऑन के साथ। 120 की स्पीड में मैं इसको लेके आया था, तो इसने मैक्सिमम जो माइलेज दी थी मुझे वो 18 की दी थी, और इससे मैंने प्यार से चला के 80 की स्पीड पे फुल लोड के साथ विद 5 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। ऑल दो कम्फर्टेबली नहीं बैठते, बट वो किसी रीज़न से गए थे हम, तो 5 पैसेंजर्स के साथ विद फुल लगेज इसने 20.85 की माइलेज दी थी विद, जब मैंने 80 की स्पीड पे चलाया था हाईवे के अंदर। तो फ्रेंड्स, माइलेज देती है मारुति की गाड़ियाँ, बट हाईवे पे देती हैं। तो वीडियो कंक्लूड करने पे, जो 100% अगर आप इसे अच्छी हाईवेज पे यूज़ करोगे तो कितना भी बता लो, आपकी मैक्सिमम जो मिनिमम माइलेज आएगी वो 18 की आएगी, और मैक्सिमम लगभग 20-21 की भी निकाल लोगे आप, डिपेंडिंग अपॉन द कार्गो, कितना सामान है आपकी गाड़ी में, कितना वेट है। एंड सिटी की मैं बात करूँ तो जो जैसी हमारी सिटी है जिसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, और इसमें लगभग 12-13 की ही एवरेज देती है। और अगर आप इसे नॉर्मल सिंगल लेन रोड पे चलाएंगे तो वहाँ पे भी ये 17-18 की माइलेज आपको निकाल के देगी विद एसी ऑन। जितनी भी मैंने माइलेज बताई है सारी एसी ऑन पे बताई है, एंड जब 3 पैसेंजर्स गाड़ी के अंदर बैठे हैं उसके हिसाब से मैं आपको माइलेज बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।